Companies Act 2013 case laws. A very good evening, myself CM Anil Nelani, and आज मैं आप लोगों को कुछ case laws और एक बहुत important topic CA foundation का complete करवाऊंगा. ना ही केवल CA foundation, बाकी कोई भी student जो Companies Act 2013 पढ़ रहे हैं, जिनके course में company law है, वो इस video को देख सकते हैं एंड केस लॉज लर्न कर सकते हैं. तो इस वीडियो के अंदर मैं एक टॉपिक और उससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं आपको समराइज वे में कंप्लीट करके दूंगा. सबसे पहले चलते हैं जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. तो कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है? जब भी कंपनी किसी थर्ड पार्टी से डील करेगी, तो कंपनी और उसके मेंबर को सेपरेट माना जाता है. दैट इज उनके बीच में एक पर्दा आ जाता है, एक दीवार आ जाती है, जिसकी वजह से उन पर्सन को कभी भी लायबल नहीं माना जाएगा. और जितने भी काम उन लोगों ने कंपनी के बिहाफ पे किए हैं उसके लिए कंपनी ही लायबल होगी, ना कि वो मेंबर. ऐसा बताया गया था सेलमन वर्सेस सेलमन में कि कंपनी अलग है और पर्सन अलग है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. लेकिन अगर आपने कंपनी बनाने का पर्पस जो है वो अगर गलत यूज़ किया, आपने कंपनी बनाने को मिसयूज़ किया या किसी भी तरीके से आपने गलत काम किया, तो ये जो व्हील है, मतलब जो दीवार है कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के बीच में, या जो पर्सन डील कर रहा है कंपनी और कंपनी के साथ, उन दोनों को सेम पर्सन माना जाएगा और वही पर्सन लायबल होगा, ना कि कंपनी. दैट मीन्स उस केस में कंपनी और पर्सन अलग नहीं होंगे, बोथ से भी सेम. अब कौन कौन से केसेस के अंदर हमारा कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होता है? सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है, सबसे पहला जो हमारा केस आता है, दैट इज टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ एनिमी कंट्री. टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ एनिमी कंट्री. इसके पीछे जो केस लॉ था मैं आपको बता देता हूं, दैट इज डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी. डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड. इस केस के अंदर हुआ क्या था, एक कंपनी थी जो रशिया के अंदर थी एंड जो उसके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो यूएसए बेस्ड थे. और उसके बाद कुछ टाइम बाद यूएसए और रशिया के बीच में वॉर हो गया. तो जब यूएसए और रशिया के बीच में वॉर हो गया तो दे बिकम द एनिमी कंट्रीज. और जो रशिया के अंदर यूएसए वाली कंपनी काम कर रही थी, मतलब जिसकी मेजोरिटी डायरेक्टर्स यूएसएन थे, तो रशिया के क्रेडिटर्स ने पेमेंट करने से मना कर दिया. इस कंपनी को बोला कि इस कंपनी के सारे डायरेक्टर तो यूएसए के, हम पेमेंट नहीं करेंगे. तो कंपनी ने केस कर दिया कोर्ट में कि बोला कि कंपनी अलग होती है, डायरेक्टर अलग होते हैं, हम डायरेक्टर यूएसए के हैं बट कंपनी तो यहीं की है. तब कोर्ट ने जजमेंट दिया, नहीं, आपको और कंपनी को सेम ही पर्सन माना जाएगा, बिकॉज ये केस एनिमी कंट्री के केस में आ जाता है और यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा. आप और आपकी कंपनी अलग नहीं है, बोथ आर सेम पर्सन. तो फर्स्ट कौन सा था, टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमी कंट्री. नंबर टू जो हमारा केस लॉ आ जाता है, दैट इज टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू, या फिर हम बोल सकते हैं टू प्रोटेक्ट टैक्स. इसके अंदर जो केस लॉ होता है, दैट इज डिंशॉक मानिक जी पेटेट, सर डिंशॉक मानिक जी वर्सेस पेटेट. इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ था, डिंशॉक मानिक जी ने अपने टैक्स लायबिलिटी को बचाने के चक्कर में उन्होंने चार ऐसी कंपनियां बनाई जिनका काम तो कुछ भी नहीं था और वो उन्हीं की कंपनियां थी, सारे शेयर्स उन्होंने होल्ड कर रखे थे एंड उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रांसफर कर दिया चारों कंपनी में इन फॉर्म ऑफ लोन, और वो लोन कभी भी उनको रीपे नहीं हुआ. और जब टैक्स ऑफिसर पैसा लेने गया तो डिंचोक माने जी के पास तो पैसा था ही नहीं, और जब वो कंपनियों के पास गया तो कंपनी ने बोला, सर हमारे पास जो पैसा ये है दैट इज लोन, और लोन पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती. तो इससे उन्होंने अपनी टैक्स लायबिलिटी को चुराया. तब कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि डिंशॉक मानिक जी और जो उनकी कंपनी है ये दो डिफरेंट नहीं है, बोथ आर सेम. कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हुआ और कंपनी और डिंशॉक जी को सेम माना गया. इस केस में भी हमारा कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हुआ था, दैट इज टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू. थर्ड केस जहां पे हमारा
कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होता है, दैट इज टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन. और इसके पीछे जो हमारा केस लॉ है दैट इज वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज. इसके अंदर क्या हुआ, जो रबर इंडस्ट्रीज थी इनको अपने एम्प्लॉयज को बोनस पे करना था, दैट इज मैंडेटरी, जरूरी था लॉ के अकॉर्डिंग. तो इस कंपनी ने क्या किया, एक और सब्सिडरी कंपनी बनाई, मतलब उसके मेजोरिटी शेयर्स इन्होंने होल्ड कर दिए. एंड देन इन्होंने अपने सारे के सारे शेयर्स, अपने कुछ एसेट और लाइबिलिटी इस नई कंपनी को जो इन्होंने बनाई उसको बेच दिए. तो जो वो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जो बोनस दिख रहा था, जो उनको पे करना था अपने एम्प्लॉय का, वो सारा का सारा दूसरी कंपनी में चला गया. पर वर्कर तो इधर ही है, तो इस चक्कर में कंपनी बोल रही थी अब हमारे पास कोई बोनस नहीं है, हमारे को पे करने की ज़रूरत नहीं है. तब कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, जो भी नई कंपनी है वो और जो ये पुरानी कंपनी है बोथ आर सेम कंपनी, कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हुआ और दोनों को अलग अलग नहीं माना गया, दोनों को सेम माना गया. द रीज़न वॉज जो ये कंपनी बनाई गई थी इसका सिर्फ एक ही पर्पज था कि आप अपने लीगल ऑब्लिगेशन दैट इज जो आपको बोनस पे करना है आप उसको अवॉइड करना चाह रहे थे. फोर्थ केस लॉ जो आया था दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट. फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट. इसके पीछे जो केस लॉ था उसका नाम था मर्केंटाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कंपनीज. इसका केस के अंदर क्या था, एक कंपनी थी जिसको लाइसेंस नहीं मिल रहा था ट्रांसपोर्ट करने का, तो उन्होंने अपनी एक सब्सिडरी बनाई एंड उस सब्सिडरी से लाइसेंस लिया तो लाइसेंस मिल गया. बट सारी की सारी मेन एक्टिविटी अपनी मेन कंपनी से ही कर रहे थे, सिर्फ लाइसेंस इसका यूज़ कर रहे थे. तब कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि आपने जो ये कंपनी बनाई है इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि आप लाइसेंस ले सको, आपने अपनी सब्सिडरी को बनाने का सिर्फ एजेंट की तरह काम किया है, दैट इज सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए. इसी वजह से ये सब्सिडरी कंपनी और आपको सेम कंपनी माना जाएगा. अगर आप डिस्क्वालीफाइड थे तो ये कंपनी भी डिस्क्वालीफाइड है, आप दो डिफरेंट कंपनी नहीं हो. फिफ्थ हमारा जो केस था जहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हो रहा था, दैट इज बहुत सिंपल सा केस लॉ था हमारा, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी फॉर फ्रॉड. इसके पीछे जो केस लॉ था दैट इज गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न. इसके अंदर क्या था, जी लिमिटेड एक कंपनी थी जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स, कार के पार्ट्स वगैरह सेल करती थी. मिस्टर हॉर्न इसमें काम करते थे. मिस्टर हॉर्न ने जब जॉब छोड़ी तो जी लिमिटेड ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे. कस्टमर को सॉलिसिट करने का मतलब हो गया कि आप उनको अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं करोगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब मिस्टर हॉर्न ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था एच लिमिटेड. कौन सा था, एच लिमिटेड. अब एच लिमिटेड ने स्टार्ट कर दिया मिस्टर गिलफर्ड कंपनी के कस्टमर को सॉलिसिट करना. तो गिलफर्ड कंपनी ने केस कर दिया कि मिस्टर हॉर्न सॉलिसिट कर रहे हैं. तब मिस्टर हॉर्न ने बोला मैं थोड़ी कर रहा हूँ, सॉलिसिट तो एच लिमिटेड कर रही है और वी आर टू डिफरेंट पर्सन. तब कोर्ट ने बोला आपने फ्रॉड पर्पस के लिए ही ये कंपनी बनाई है ताकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ सको, इसी वजह से मिस्टर हॉर्न और एच लिमिटेड को सेम माना गया और टू डिफरेंट पर्सन नहीं माना गया. इस केस में भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट हुआ. आई होप आपको सारे केसेस समझ में आए होंगे, कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कौन सा था, और ये जो पांच केस थे हमारे जैसे टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कंट्री, टू प्रोटेक्ट टैक्स, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडरी टू एक्ट एन एजेंट और फॉर फ्रॉड. ये पांच केसेस होते हैं जहां पे कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होता है. मैंने बहुत समराइज वे में आपको समझाया ताकि 10 मिनट के अंदर अंदर आप पांचों केस लॉस को समझ सको. बाकी अगर आपको डिटेल में चाहिए आप लिंक में जाके हर केस लॉ को देख सकते हो, मैंने डिटेल में बना रखे हैं. और आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हो, हमने मेरे फ़ोन नंबर, ऐप की डिटेल्स और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. आई होप आपको समझ में आया. थैंक यू वेरी मच.